हे माय ब्यूटीफुल पीपल्स, तो कैसे हैं आप सब। तो गाइज, ये था हमारा मिस्टर एंड मिस सिटी का फाइनल डे 25th ऑफ मार्च। आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं अपलोड करने में इसे थोड़ा डिले हो गई, क्योंकि काम की वजह से मुझे इसे एडिट करने का टाइम ही नहीं मिला। और हम लोग बस वहाँ पे सुबह 8 बजे पहुँच गए थे होटल में, वेलकम ITC होटल में, और हमने वहाँ पे फिर सबके साथ पिक्चर्स वगैरह मतलब क्लिक की, मेमोरीज क्रिएट की। उसके बाद हमें मेकअप सेशन के लिए बुलाया गया, जो कि मेकअप हमारे थे वो लैक्मे एकेडमी से सारे लोग आए थे मेकअप करने के लिए, आई मीन मेकअप आर्टिस्ट लोग जो भी थे वो मेकअप करने के लिए आए थे। एंड ये जो मेरा मेकअप कर रही है वो मीतू सिंह है, इनका नाम मीतू सिंह था। एंड लैक्मे एकेडमी की जो ऑनर थी ना यार, सीरियसली बताऊँ, वो इतनी फ्रैंकली थी, बहुत अच्छी थी। मतलब जैसे उनको बोलना चाहते थे ना, वो वैसा हम लोग को हमारे अकॉर्डिंग वो हमें प्रॉपरली गाइड दे रही थी, एंड हमारे फेस पे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। तो मतलब उनका नेचर मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा ऐसा लग रही हूँ जैसे कि मेरे मुंह पे किसी ने मुझे मारा हो और मेरा मुँह लाल हो गया, लेकिन एक्चुअली क्या था ना, हमें रात के 12 बजे तक वहाँ रुकना था। एंड मेकअप जब सेट होता है तो यू नो थोड़ा सा वो फेड हो जाता है, तो यहाँ पे वो मेरा बस यहाँ पे लिप वगैरह शेप कर रही थी। ये मेरी एक फ्रेंड है, ये भी मिसेस की ही कंटेस्टेंट है ऑफ कोर्स, इसका नाम राजविंदर कौर है, लेकिन हम लोग इसे प्यार से रावी बोलते हैं। वो पीछे देवोलीना है, पता नहीं लड़की क्या कर रही थी फोन में, भगवान जाने। ये भी दोनों मेरी फ्रेंड्स थी। एंड इसमें जो एक है वो निशा है, नंबर 11, वो मिसेस की कंटेस्टेंट थी। एंड नंबर 8 जो है वो मिस की कंटेस्टेंट थी। इन दोनों का आउटफिट ऑलमोस्ट सेम था, एक्चुअली इनका कुछ थीम था जहाँ से इन लोगों को ड्रेसें प्रोवाइड दी थी। एंड यार ये क्लिप मैंने ना इसमें ऐड किया क्योंकि ऑफ कोर्स मैं कंटेस्टेंट थी एंड मेरे फैमिली में से कोई भी नहीं गया था, तो मुझे किसी ने ये सेंड करी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ इस क्लिप को भी शेयर करूं। तो यस, ये थी हमारी वॉक की क्लिप, जो कि मैंने एक छोटी सी जो भी थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। एंड इसके बाद यहाँ से मतलब लोग जो थे ना वो सेपरेट होना शुरू हो गए। लाइक यहाँ पे लोग पहले टॉप 7 सिलेक्ट हुए, जिनमें वो तो थी हमारे वॉक की वीडियो, बट ये जो थी ना हमारी एक एंट्री थी, सबसे स्टार्टिंग एंट्री हमारी यही थी, जिसमें हम 14 मिसेस कैटेगरी के लिए पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो ये टोटल 14 कंटेस्टेंट थे जो कि मिसेस के लिए पार्टिसिपेट यहाँ पे कर रहे थे। एंड कुछ ऐसे हम लोगों की एंट्री हुई थी जो अपनी हमने पोजीशंस ली। सो गाइस, तो यहाँ पे हमारे टॉप 7 मिसेस कैटेगरी जो सिलेक्टेड थी, वो उनकी एंट्री कुछ इस तरह से हुई। लाइक वो था जो डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किए थे ड्रेसेस, वो आउटफिट। एंड यहाँ पे हमें जो आना था वो रेड गाउन में आना था, तो ये थी हमारी एंट्री। एंड इसके बाद भी यहाँ पे भी कुछ सिलेक्शंस हुए। यहाँ बहुत ही अफसोस, मतलब बहुत ही बुरा लग रहा था कि मतलब यहाँ पे आने के बाद यार जो बोलना है एक बार में झटके में दे के ख़त्म करो ना, मतलब बार बार दुख 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 होती है ना अंदर से, वैसी वाली फीलिंग होती थी कि क्या होगा क्या होगा। फिर यहाँ पे हमारे कुछ नंबर्स अनाउंस हुए एंड फिर टॉप 5 इसमें से चुने गए, जिसमें से मैं भी एक थी। ऑफकोर्स मैं टॉप 5 तक गई थी, बहुत खुशी भी हो रही थी कि मतलब सीरियसली विदाउट एनी ट्रेनिंग, विदाउट एनी क्लासेस, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। Contestant number 12. We got five.
फाइनली हम इस शो के विनर तो नहीं रह पाए, लेकिन हमें हमारे टाइटल्स के अवार्ड मिले हैं और हम उसमें अभी तो फिलहाल बहुत खुश हैं, क्योंकि ये हमारा एक फर्स्ट अटैम्प्ट था और उसके अकॉर्डिंग गाइस सीरियसली बताओ तो मैं तो बहुत हैप्पी हूँ. आप हैप्पी हो? बिग अचीवमेंट. या इट्स आवर फर्स्ट, मतलब हमारा फर्स्ट शो था एंड हमने इस, तुमने क्या जीता है? मिस टैलेंटेड. वाओ. और मैंने मिस कॉन्फिडेंट. मतलब सीरियसली सोच रहे हो बात को? चलो भाई, आज का शो तो हमारा बहुत अच्छा था. बाकी की वीडियोस मैंने आज शूट नहीं की क्योंकि मेरा शेड्यूल इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बिजी था. कुछ क्लिप्स मैंने शूट किए, वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी. तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर.